प्यारे साथियों नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य श्रेणी में। तो दोस्तों देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को पहचान पत्र के विकल्प के रूप में जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और डोमेसाइल सर्टिफिकेट के साथ अब अन्य का विकल्प भी दिया गया है। देखिए ऐसा क्यों हुआ है, इस पर हम बताते हैं आपको। देखिए, आवेदन करने वाले इन तीन विकल्पों के साथ कोई दूसरे विकल्प जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड सहित दूसरे विकल्पों का प्रयोग अब कर सकते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन में आईडी प्रूफ के तौर पर केवल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और डोमिसाइल का विकल्प दिया गया है। दूसरे विकल्प नहीं होने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस संबंध में महिला अभ्यर्थी को कहना था कि उनके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस पहले से नहीं है, लॉकडाउन के चलते सभी कार्यालय बंद हैं, ऐसे में उनका डोमिसाइल कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, ये तो रही ऑनलाइन आवेदन में मिले आईडी के कई विकल्प के बारे में जानकारी। देखिए दूसरी जो जानकारी है वो आपकी ये है कि उत्तर कुंजी मामले में जो है सुनवाई आज होने को है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद की सुनवाई 20 मई को होगी। ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो चुकी है। याचिका के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 मई 2020 को जारी कुंजी में चार उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। तो देखिए ये तो रही हमारी फिर अब उत्तर कुंजी मामले की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए संशोधन देने का विकल्प, संशोधन के विकल्प देने की मांग की गई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, केवल मांग की गई है, ठीक है। अभी जो है कोई आधिकारिक रूप से कोई इसका अभी सूचना नहीं आई है कि हाँ विकल्प का जो है उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं शशांक शेखर सिंह, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए मोबाइल नंबर, रोल नंबर, पूर्णांक व प्राप्तांक में संशोधन का विकल्प प्रदान करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री व सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद 16 महीने बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है, अब नियुक्ति में विलंब नहीं होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान तकनीकी खराबी के चलते कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसमें संशोधन का विकल्प दिया जाना चाहिए। शशांक ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल नंबर या तो खो गया है या बंद हो चुका है, ठीक है। अब इस वजह से काउंसलिंग से संबंधित सूचना उन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए ये रही एक और बात, 69,000 भर्ती में याचिकाएं दाखिल। अब क्या याचिकाएं हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है घोषित होने के बाद इसमें पूछे गए प्रश्नों में से कुछ पर आपत्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब देखिए, साइबर कैफे बंद होने से आवेदन के दूसरे दिन मात्र 947 आवेदन हुए हैं। अब मोबाइल नंबर बदलवाने पहुंच गए परिषद कार्यालय, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए जो है पहुंच गए परिषद कार्यालय, ये बात भी आपके यहाँ पर बताते हैं। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल 1,46,000 अभ्यर्थियों को 3 से 6 जून के बीच शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन की गति बहुत धीमी है। 18 मई से शुरू हुए आवेदन के 2 दिन बीत जाने के बाद भी 19 मई की शाम सात बजे तक मात्र 947 आवेदन आए। पहले दिन 236 एवं दूसरे दिन 711 आवेदन आए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र का कहना है कि 18 से 26 मई के बीच आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है। इस बार लॉकडाउन के चलते आवेदन के लिए 9 दिन का समय दिया गया है, जबकि पूर्व में 68,500 शिक्षक भर्ती में 7 दिन का ही समय दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर साइबर कैफे जहर सी बातें बंद हैं, तो ऐसे में दिक्कत तो होनी है। खैर देखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है, शिक्षक भर्ती के लगभग 20 से 25 अभ्यर्थी मंगलवार को दोपहर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंच गए। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने आवेदन के साथ जो मोबाइल नंबर लिखा था अब वह बदल गया है। इस बारे में सचिव की ओर से आवेदन की नियमावली में कोई जानकारी नहीं है, इस संबंध में वह सचिव से मिलना चाह रहे थे। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने के चलते सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इन अभ्यर्थियों से मिलने से मना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक और बात है कि गरीब सवर्ण जो आरक्षण ना देने का लगा रहे हैं आरोप 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। अब जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जो जो थे EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जिन्होंने की अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण न लिया हो को सरकारी विभाग में होने वाली नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित छात्रों की सीटों पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। अब देखिए ये भी कह रहे हैं कि यदि न्याय ना मिला तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अभ्यर्थी। तो इसकी जो प्रक्रिया है आप जान चुके हैं पहले से कि आखिर ये किस तरह का आरोप जो है लगा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए मोबाइल नंबर बदला, अब कैसे करें आवेदन, तो ये बात भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हम सभी के लिए कि मोबाइल नंबर, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि या तो मोबाइल नंबर बदल गया है या फिर जो है उन्होंने नया ले लिया है, पुराना उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लेकर के संशोधन करने की जो मांग कही गई है, देखते हैं उस पर क्या जो है फैसला आता है। देखिए अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के दूसरे दिन हेल्पलाइन पर लगभग 200 से अधिक शिकायतें हुई हैं। शिकायतें किस तरह की हैं वो भी देखते हैं हम। कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि 18 मई को आवेदन शुरू होने के साथ अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। मंगलवार को ही लगभग 200 शिकायतें हेल्पलाइन पर आईं, जिनमें से कुछ शिकायतों का तत्काल समाधान कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतें नोट कर ली गई, इनके बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों ये तो रही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आप अपना जो है काउंसलिंग कर रहे होंगे, आवेदन कर रहे होंगे, तो बेहतर तरीके से करना, कोई गलती ना हो उसमें, इस तरह से करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों तक भी ये बात जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।